किसी को तो रोक यार, कोई रुक ही नहीं रहा है। रात में कोई क्यों रुकेगा, सब घर जा रहे हैं। उसे रुकते हैं। रुको 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 भैया, हमें चाचा जी के घर छोड़ दोगे बिना पैसे के? टैक्सी बिना पैसे में जाएगी? अरे अरे जब जाने नहीं तो रुके क्यों? अरे उस पे क्यों चिल्ला रही है, उसे थोड़ी ना पता है हमारे पास पैसे नहीं और हम लिफ्ट मांगने आ रहे हैं। एक और ये तो जाएगा, पक्का जाएगा। नहीं जाना है अब, जाओ जाओ, नहीं अरे, जाने। तू इधर आ, अरे इधर आ। प्राची वो टैक्सी वाला तो रुक ही जाता, वो चल पड़ता यार बिना पैसे के। दिमाग खास चलने गया तेरा? दिमाग नहीं, अभी तो सामान गया, हम उस चोर को पकड़ सकते थे। लेकिन तुझे तो अपने डैडी की स्पीच सुननी थी। अब जो तेरे लिए नहीं थी उनकी खुद की बेटी के लिए थी, जो किसी और का था डैडी तेरा ध्यान उन पे था, और जो सामान अपना था उस पर तेरा ध्यान ही नहीं था। सिर्फ हम तेरी वजह से भटक रहे हैं प्राची, नहीं टल लो कि तेरे रात भर यही बैठना पड़ेगा। मेरी वजह से? और जो तूने चाचा जी का एड्रेस हवा में पतंग की तरह उड़ा दिया उसका क्या? देखा उसी चक्कर में ना सारा सामान चोरी हुआ है। तू ज्यादा चढ़ मत मुझ पे। प्राची ये दंगल थोड़ी है जो मैं तुझ पे चढ़ूंगी। दंगल वाली गीता बबीता। प्राची एक आइडिया ऐसे मेरे दिमाग में। आइडिया दिमाग में ही आता है। अरे सुनना प्राची, आइडिया ऐसा है जिसमें हमें लाइफ भी मिलेगी और पैसे भी। कैसे? मैंने एक मूवी में देखा था, होता है ऐसे कि एक गाड़ी आके धीरे धीरे स्लो स्पीड में रुकती है स्पीड ब्रेकर की वजह से। वो देख वो रहा है स्पीड ब्रेकर, और फिर हीरोइन आ जाती है गाड़ी के नीचे। ऐसे आंखें बड़ी करके मत देख, एक्टिंग करती है नीचे आने की, और मैं भी करती हूँ सेम। मैं भी चिल्लाऊंगी अरे तू भी बोलना एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और वो गाड़ी वाले फिर जान छुड़ाने के लिए मैं पैसे देगा, और हॉस्पिटल छोड़ने के बहाने में लिफ्ट भी देगा। ये तू पागल वागल हो गई है क्या? पता कितना बड़ा रिस्क है उसमें, सच में टक्कर लग गई तो पागल कहीं की। अरे प्राचीन मैं तो मूवी की बात कर रही थी, मैं थोड़ी ऐसा कुछ करने वाली हूँ। अब तो फोन निकालना, तुझे मासी को फोन करना था ना। देख ऐसा लग रहा है बारिश भी आने वाली है, बिजली भी कड़क रही है, रात भर यहीं भीगना पड़ेगा, तो फोन कर मैं गाड़ी रुकवाती हूँ। अरे रुक सुन तो, लेकिन खून तो दिख नहीं रहा है। अरे इंटरनल ब्लीडिंग है, दिखती नहीं है। टक्कर में आ रही है। इसी सच में टक्कर लगी है या एक्टिंग कर रही है? क्या भाई गाड़ी तो ले ली, चश्मा भी ले लेते। इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं थी। अरे बुला पुलिस को, बोलते हैं गाड़ी चलाना इसे। बुला पुलिस को। पुलिस नहीं, डॉक्टर बुला दो, नहीं तो पैसे दे दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मर गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। चलो कोई कहीं नहीं जाएगा, एक्सीडेंटल केस है, पुलिस यहीं आएगी। अरे एक सेकंड यार, अभी आप लोग कि मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। बताओ कहाँ ले जाना? मैडम आप इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेके चलते। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तुम यार इसे कुछ नहीं हुआ, इसे ना लिफ्ट चाहिए थी, इसलिए इसने ये सब जानबूझ के किया है। सॉरी कि सॉरी बोल। प्लीज दिस क्या बोल रही, गाड़ी के नीचे चल दूंगा तुम्हें। बोलो किसे इसकी हेल्प करनी थी? हां पुलिस स्टेशन जाना है, कहां जाना है? अरे खुद मुसीबत बुलाती है। हेल्प करने आए बड़े, और तुम बहुत मस्ती सूझ रही है। हां चलो बैठो गाड़ी में।
और तुम डिक्की में बैठना। चाची, ये मैं हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, पुलिस स्टेशन। तू तो ना कुछ बोली मत, चुप रह, चल। नाम क्या तुम्हारा? जी मेरा नाम। तुमसे पूछ, इससे पूछ रहा हूँ, हमारी परफॉर्मेंस देखने के बाद तुम्हें तो एक अलग ही नाम दूंगा। जी मेरा नाम प्राची है, हम आज ही होशियारपुर से आए हैं। अरे तुम्हारी दोस्त है? बहन है, कजिन सिस्टर। यहाँ किसके पास आई हो? रिलेटिव्स? हमारे चाचा जी हैं, उन्हीं के यहाँ जाएंगे। नाम क्या होगा? क्यों, पुलिस स्टेशन बुलाना है उनको। देखिए आपको पुलिस स्टेशन ले जाना ही ले जाइए, लेकिन हमारी फैमिली को परेशान मत कीजिए। क्या बोल रही है? परेशान का मतलब भी जानती हो तुम? अगर कोई परेशान हुआ है ना तो सिर्फ मैं। पहले रोड पे परेशान किया, होटल में परेशान किया, फिर वापस से रोड पर परेशान किया। यू एक्सीडेंटल गर्ल, तुम चाना शॉर्ट में बात करें। आप पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं? नहीं तो क्या दिल्ली दर्शन करा रहे? अगर ऐसे ही पेट्रोल फूकना है तो प्लीज हमें हमारे चाचा जी के घर छोड़ दीजिए, जनकपुरी। क्या बोल रही, चुप कर। बहुत मस्ती आ रही है, सब कुछ मजाक लग रहा है तुम्हें। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे मजाक में तुम मेरे गाड़ी के नीचे आ जाती तो तुम्हारे परिवार का क्या होता? सोचा तुम, ये भी तुम्हारे साथ थी ना, इसने ऐसा कुछ किया? अरे इसी के लिए तो किया मैंने ये सब। मैंने तो बोला ही था कि पैदल चलते हैं, पर इसको ही पैदल नहीं जाना था। मैंने इसीलिए तो सारा ड्रामा किया है। ऐसे ही लोग बोलते हैं कि दिल्ली है दिलवालों की। दूसरों की गलती बताए खुद की गलती को छुपा नहीं सकती, तो ये कोई तरीका है गाड़ी रुकने का? ऐसे ही कामों में दिमाग चलता है तुम्हारा? एक्चुअली सर सारी गलती इसकी नहीं है, बल्कि उस चोर की भी है जो हमारा सामान चुरा के भागा था। उसका पीछा करते करते हम आपके होटल घुस गए, इससे पहले कि हम उसे पकड़े हमें सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। सॉरी हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन सच्ची आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था हमारा। हम तो खुद ही परेशान, किसी और को क्या करते। पता है आपको, हमारे कपड़े पैसे सब कुछ था उस बैग में। खाली पेट घूम रहे जब से आए, और खाली पेट दिमाग चलता है क्या किसी का? वो तो चल रहा है। वैसे तुम्हारे साथ रहती है? जी बचपन से। घर में माँ के अलावा और कौन? दादी है और ये है। ये है? दिल्ली किसी फैमिली फंक्शन के लिए आई हो? स्कॉलरशिप मिली है, बीएड करने आई, और मैं इंटीरियर डिजाइनिंग। कौन से कॉलेज में? एमएमआईएसएस। MMISS? थोड़ा कोइंसिडेंस, वहाँ पर मेरी बेटी भी पढ़ती है, फैशन डिजाइनिंग कर रही है। आई एम श्योर तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। वैसे जनकपुरी तो आ गया है, जनकपुरी में कहाँ जाना? प्लॉट नंबर 13, गली नंबर 40, मकान नंबर 36, शिव मंदिर के सामने। बैठ कर लिए? चाचा जी ने फोन पे बताया था। अब 35, 36, अब सर यही रोक दीजिए, यही पे। ऐसे गाड़ी गली में जाएगी भी नहीं, हाँ? थैंक यू सर, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो ना तो मेहमान समझ कर माफ करना। आपके शहर के। थैंक यू सो मच सर, हमने जितना परेशान किया आपने उतनी हेल्प की। इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। सेम यार, अंदर तक छोड़ दो। नहीं नहीं आपको लेट हो रहा होगा ना, हम चले जाएंगे। जो? जी बाय 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 बाय। आपसे कुछ कहना था। बोलो। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, वो होटल में आपने अपनी बेटी के लिए जो कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम थी वहाँ? हाँ, वो चोर के पीछे भाग रहे थे ना। आपकी कही हुई हर बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब आपने कहा ना कि आपके सारे अवार्ड्स, आपकी जिंदगी की सारी खुशियाँ, आपका सब कुछ आपकी बेटी से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगा कि सच में आपका सब कुछ उसी से है। कभी सोचा नहीं था एक बाप अपनी बेटी से इतना प्यार कर सकता है। नहीं मतलब करते होंगे पर बोलता कोई नहीं, पर आपने तो सबके सामने, वो छोटे बच्चे बोलते हैं ना, माय फादर वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, वो बेस्ट फादर आप है सर। आप बहुत लविंग एंड केयरिंग है सर। आपकी बातें सुन के ऐसे लगा कि एक बाप का प्यार एक माँ के प्यार से कम नहीं होता। आपकी बातों में ना मैं खो गई सर।
शायद इसीलिए क्योंकि मुझे कभी अपने पापा का प्यार नहीं मिला। प्यार तो क्या, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं, पर माँ ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो कहूँगी जितना प्यार आप अपनी बेटी से करते हैं ना, उतना ही प्यार मेरी माँ मुझसे करती है। पर कभी कभी लगता है पापा होते तो हाथ तेरे हैं ढूंढते। लाइफ होती है ऐसी, ये लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं मिलती। जैसे मेरी बेटी को माँ नहीं मिली, तुम्हें फादर नहीं, पर दोनों ने कभी कोई कमी नहीं रखी, ना मैंने ना तुम्हारी माँ ने। वैसे नाम क्या है तुम्हारी माँ का? ओए सॉरी, वो थोड़ा नो no. क्या कह रहे थे आप? माँ नाम राजीव, आना अब मेरी बुराइयां किसी और दिन कर लेना। बचपन से ऐसी थी, एक्सीडेंट के बाद इसका दिमाग खराब हो गया। बचपन से ही ऐसी है। मैं चलूं? या ऑफ कोर्स। वैसे एक बात बताना था कि तुम्हारी माँ जो है ना, वो मुझसे ज्यादा लविंग एंड केयरिंग है। उन्होंने तुम्हें एक अनजान शहर में भेज दिया। वो तो है। And remember, उनका नाम रोशन करना। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, I'm sure you'll do it. चाहो वरना तुम्हारा दिमाग खा जाएगी। Bye. Good night. बस कर, ऐसे मिल रही है जैसे सच में बाप बेटी हो। कुछ भी नहीं लग रहा है, मुझे तो जलन हो रही है। तू आई मेरे साथ है, पर हर जगह होती उनके साथ है, जहां देखती है वही रुक जाती है। चलो मैडम, वो गए, अब सोते जागते उठते बैठते खाते पीते मैं ही तेरे साथ हूँ। चल चल आ जाओ। अजीब फील हो रहा है, उनके जाने पे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना चला गया। लो आ गई। अब मैं क्या करता? मना? अरे आप तो चंदे वाले को भी मना नहीं कर सकते, तो इन्हें कैसे मना करेंगे? मुझे बोल देते, मैं मना कर देती। अरे भाई, दो बेटियों को हम पहले से पाल रहे हैं, इन दोनों को कैसे संभालेंगे? हजार बहाने होते हैं, तुम ना सच में किसी काम के नहीं, बस मेरा काम ना बढ़ाते रहते हो। ओ यार, अब उनके सामने तो मत कुछ बोल, दरवाजे पर खड़ी है। और शारदा मासी से मैं बाद में बात करता हूँ, अभी ठीक से उनका वेलकम कर रहे हैं। आरती ना उतारो, देख लो जी, जितना हो सकेगा ना उतना ही करूंगी। हाल से तो उम्मीद मत रखना मुझसे। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। नमस्ते चाची जी। नमस्ते चाचू। आगे शाना पुत्र। हाँ। कोई और भी साथ में आया है क्या? मतलब सामान कितने हैं? वेलकम टू दिल्ली हो गया जी, मतलब चोरी हो गया, कपड़े लत्ते सब चले गए, अब तो बस आपकी चिन्नी मिन्नी के ही कपड़े पहनेंगे। सुनो जी, इन्हें इनका कमरा दिखा दो जो हमने चिन्नी मिन्नी से जबरदस्ती खाली करवाया है। अरे जबरदस्ती खाली क्यों करवाया? हम कहीं भी रह लेते। क्या है ना बेटा जी, बंगला तो है नहीं है जहाँ 8-10 कमरे हो। हा? या तो चाचा चाची के रूम में रहोगे या फिर चिन्नी मिन्नी के। वैसे तुम अब बड़ी हो गई हो, जब हमने देखा था तब छोटी थी, याद है ना? हाँ जी बिल्कुल याद है, आप आई थी ना हमारे घर चिन्नी मिन्नी को लेके, उन्हें रोज मेले ले जाया करती थी मैं। प्राची, तूने भी तो अपना रूम दिया था उन्हें, और वो अपनी नई वाली ड्रेस भी दी थी चिन्नी मिन्नी को, जो मैंने तुझे बर्थडे पे दी थी। खैर छोड़ो चाची जी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना।
क्यों नहीं बेटा जी? अरे चाची का तो ढाबा है, रात भर चाची ढाबा ही चलाती रहती है। क्या खाओगी बोलो? शाही पनीर खाओगी, राजमा चावल खाओगी, नान खाओगी, कुलचा खाओगी या फिर मक्के की रोटी और दाल तड़का बना दूं? हां जी, कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा तो दिन के बचे हुए चावल दाल आओ जी किचन में हमारी हेल्प कर दो। आ जा। हां हां चलो बैठो तुम दोनों। चाची जब भी हमारे घर आते तुम कितनी खातिरदारी करते, इनको देख जरा। छोड़ ना, मूड खराब होगा। जैसे हमारा था पूरा दिन, कल सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो किसी में कोई बुराई नजर नहीं आती, और अगर आती भी है तो उसमें अच्छा ही ढूंढ लेती है। बस तुझ पे आके फेल हो जाती। हाँ, और मेरे अलावा तुझे सब समझ आते हैं। यहाँ वो चाची जी, वहाँ वो डैडी जी, वो मिस्टर राइट जो तुझे देख के प्यार से बात करते हो, मुझे देखते तुझे पता है ना तू पागल है। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने अपनी बेटी के बारे में बात की। आपकी स्पीच सुन के समझ आया आपने रोड पे मुझे क्यों डांटा था। जिसे किसी और की बेटी की इतनी फिक्र, वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता होगा। माए भी अपनी बेटियों से उतना ही प्यार करती है। जितना प्यार आप अपनी बेटी से करते हैं ना, उतना ही प्यार मेरी माँ भी मुझसे करती है। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, वो होटल में आपने अपनी बेटी के लिए जो कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद प्राची का फोन है, यही भूल गई। ये लड़की ना बीजी, ये लड़की ना पहले खुद फोन करती नहीं, मेरा फोन उठा नहीं रही, और आप बोलते मैं बेवजह डांटती हूँ। फोन उठा। पता नहीं किसका फोन है, कैसे उठा लूं। घर से फोन हुआ तो वापस यूटर्न लेना पड़ेगा। कितना परेशान करती है लड़की, कितना तो रिया ने भी परेशान नहीं की। ये लड़की ना बहुत परेशान कर रही है मुझे, वो भी दूसरे शहर में जाके। फोन नहीं उठा सकती है क्या? क्या हुआ, लगा फोन? अच्छा कट गया। कट गया। फोन लग रहा है लेकिन उठा नहीं रही। एक तो ये मौसम को भी आज ही खराब होना था। बच्चे बस ठीक से पहुंच गए हो ना, जब तक पता नहीं चलेगा मुझे नींद ही नहीं आएगी। आएगी कैसे, माँ जो है। यही उतरी थी वो। बारिश ना, मैं ये दरवाजा बंद कर देता। मुझे लगा ही था। हेलो कौन? हेलो हेलो कौन है? नहीं वो बारिश में आवाज नहीं आ रही थी। तो खुदा भी रूठे साथ टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ टूटे ना। ओ अल्लाह क्या हुआ क्या? कौन है फोन पे? लाइन खराब है, आवाज किस पे आ नहीं रहे। हेलो आप कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आप? हेलो मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो सुरेंदर, अरे तेरी आवाज को क्या हो गया, इतनी बदल क्यों गई? वो फोन ही नहीं उठा रही है। अरे वो ठीक ठाक पहुँच गई कि नहीं? जी वो। और तू ना, तूने भी फोन नहीं किया और इतनी देर बात कर, टेलीफोन किया। बड़ा आदमी हो गया क्या दिल्ली जाके? टेलीफोन सुरेंदर नहीं हो। सुरेंदर नहीं है तो फिर
कौन है भाई और शाहन और प्राची कहाँ है? एक्चुअली मैंने प्राची और शाहना को उनके चाचा चाची के गलती से उनका फोन मेरी गाड़ी में रह गया था। फोन भी भूल गए गाड़ी में। सुरेंद्र जी से बात कर रही हूँ, मैं बात करती हूँ। हेलो